अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने अपने डेली वेयर के लिए दो ब्यूटीफुल सी कुर्ती परचेज़ की है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इस कुर्ती की डिज़ाइन शेयर करूं। ये दोनों कुर्तीज़ मैंने लोकल मार्केट से बाय की है। ये दोनों ही कुर्तीज़ डेली वेयर के लिए, इवन ऑफिस वेयर के लिए एकदम ही परफेक्ट है। दोनों के भी कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपको इन दोनों में से कौन सी कुर्ती है ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फर्स्ट कुर्ती है, ब्यूटीफुल सा मरून कलर है, बनारसी टाइप मटेरियल है इसका, पर बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है। ये इसका नेक है जिस पर धागे की ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और बीच में इसके तीन बटन लगे हुए हैं। देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है, और जो आप बीच में देख रहे हो आप, ये भी धागे का ही इस पर काम हुआ है। ये स्लीव्स बिल्कुल ही सिंपल है। इस कुर्ती के साथ अटैच लाइनिंग है, तो ये कुर्ती हम लोग समर के लिए तो वेयर नहीं कर सकते, पर विंटर के लिए परफेक्ट है। बट ये बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता ये कुर्ती वेयर करने के बाद, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका, और पहनने के बाद बहुत ये ब्यूटीफुल लगती है। मैंने ये कुर्ती ब्लैक प्लाजो के साथ वेयर की थी, मरून के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। ये सेकंड कुर्ती है, कॉटन मटेरियल में, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है, समर के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, और कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत है। कॉलर नेक दिया हुआ है इसका, और आगे से ये बटन्स लगे हुए हैं, और इसके नीचे भी कट दिया हुआ है, छोटा सा कट दिया हुआ है। सिंपल कुर्ती है, पर वेयर करने के बाद ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। आपको बैक साइड से टर्न करके दिखा देती हूँ। समर के लिए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैंने इस कुर्ती को वाइट पैंट के साथ पेयर किया था, पैंट के साथ ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लग रही थी। आपको इन दोनों कुर्ती में से कौन सी कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।